तो यारों कि आपको पता भी है कि 2024 सिर्फ और 5 महीने में खत्म होने वाली है। आपकी जिंदगी जैसी थी अब भी वैसी है। डिस्क्लेमर, मैं यहाँ कोई मोटिवेशन देने नहीं आया, बल्कि मैं सिर्फ आपको सच से वाकिफ बनाना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितने पैसे कमाओ, बल्कि इससे फर्क पड़ता है कि आप कितना टाइम दे सकते हो उस पैसे को कमाने के लिए। देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको बिना कोई काम किए बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे तो फिर आप इस वीडियो को मत देखो, क्योंकि अगर ऐसा है तो आप हर वो शॉर्टकट्स को ट्राई कर सकते हो जिसमें से आपको लगता है कि आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको रियल मनी कमाना है तो आप सबका इस वीडियो में वेलकम, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 जेन्युइन और रियल तरीकों के बारे में बताऊंगा जिसमें से आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी, और इन सब में कितनी सच्चाई है और कितना स्कैम है इसका भी खुलासा करेंगे, जानेंगे अभी। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है, आप कौन हो, आपके पास क्या स्किल्स है, आपको कितना पता है और आप डेली बेसिस पर क्या करते हो, इसका जवाब मुझे कॉमेंट्स में देना। लेकिन मुझे पता है ज्यादातर लोगों का यही जवाब आने वाला है कि वो डेली बेसिस पर कॉलेज जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ घूमते रहते हैं और दिन भर इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल करते रहते हैं और यही सर्च करते हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, हाउ टू मेक मनी विदाउट डूइंग नथिंग, हाउ टू बिकम मिलियनेयर इन 10 डेज। क्या यहाँ मजाक हो रहा है? आप मुझे ये बताओ कि अगर पैसा कमाना इतना आसान होता तो फिर हमारे मम्मी पापा इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, बिना कुछ किए क्या वो भी नहीं कमा लेते? देखो अभी आपके पास 2 ऑप्शन थे, पहला जो कर रहे थे उसे कंटिन्यू करना, मतलब इंस्टाग्राम पे दिन भर स्क्रॉल करते रहना, या फिर दूसरे इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज की जिंदगियों को झांकना और खुद डिप्रेस होते रहना और हमेशा यही सर्च करते रहना कि बिना कुछ किए पैसे कैसे कमाया जा सकता है। 2024 खत्म होने वाला है, फिर 2025 आएगा, फिर 2026 आएगा, और ऐसे करते करते कब आपकी कॉलेज खत्म हो चुकी होगी, कब आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जा चुकी होगी और कब आप सिर्फ एक कोने में बैठकर रो रहे होगे, रिग्रेट कर रहे होगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा ऑप्शन, ये सब फालतू की चीजें छोड़ो, एक गोल सेट करो कि 2024 खत्म होते होते आपने कुछ तो कर लिया होगा, आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी सही लेकिन इम्प्रूव हो चुकी होगी, अब आप एक बेटर पर्सन बन चुके होगे। अगर आपने दूसरा ऑप्शन चुना है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अब हम सीधा काम की बात करते हैं। पहला तरीका जिससे आप पैसे कमा सकते हो, जिसे मैं खुद कमा रहा हूँ, वो है फ्रीलांसिंग। यकीन नहीं हो रहा तो मत करो, क्योंकि मैं यहाँ कोई स्क्रीनशॉट्स अटैच नहीं करने वाला, ये सच है, मैं कमा रहा हूँ, आप भी कमा सकते हो। अब फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे करना है, कैसे कमाना है, अगर ये सब जानना चाहते हो तो YouTube पे लाखों वीडियोस पड़े हैं जिसमें से आप सीख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं कि रियलिटी के बेस पर एग्जैक्टली क्या क्या चीजें करनी होती है, कैसे कमानी होती है, ये सब अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो और मैं डेडिकेटेडली इसके ऊपर एक वीडियो बना लूंगा। दूसरा तरीका है ई कॉमर्स। अब मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं इसमें फेलियर हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज को ट्राई की थी लेकिन 100% एफर्ट्स नहीं डाले थे और इसीलिए मैं इसमें फेल हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें से पैसे नहीं कमा सकते, बल्कि इसमें से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सिर्फ एक प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू सिर्फ 100 रुपए है और उसे एक दिन में 100 लोगों ने भी खरीद लिया तो आपकी एक दिन की कमाई 10,000 हो सकती है और एक महीने में 3 लाख, इमेजिन कर रहे हो। लेकिन इसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा, फिर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर रिजेक्शन को हैंडल करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाके आप कमा सकते, मतलब मोटा मोटा इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगे। लेकिन एक बार आपने कमाना शुरू कर दिया, मतलब आप लाखों में गेम खेल सकते हो। तीसरा और सबसे बेस्ट तरीका है कंटेंट क्रिएशन। आप मानो या ना मानो, अगर आपको नेम, फेम, मनी ये सब कुछ चाहिए तो आपको कंटेंट क्रिएटर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिटरली इतना पैसा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। अब आप पूछोगे कि मैंने कितना कमा लिया कंटेंट क्रिएशन से, तो सुनो इसका जवाब है 0। जी हाँ, आपको सुनने में मजाक लग रहा हो लेकिन ये सच है, मैंने अभी तक कंटेंट क्रिएशन से 1 भी रुपया नहीं कमाया, क्योंकि मुझे पता है इसमें टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे, मेहनत लगेगी, डेडिकेशन लगेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और भी लाखों चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये चीज कभी स्टॉप नहीं करूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें कितने पैसे बनाए जा सकते हैं। हर चीज में टाइम लगता है, इसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन मैं गिवअप नहीं करूँ। याद रखो, दुनिया में रातों रात कोई भी बड़ा आदमी नहीं बना है, सबको टाइम लगा है, आपको भी टाइम लगेगा। लेकिन मैंने जो चीजें कही हैं, अगर आप आज से दिन के सिर्फ 1 घंटा डेडिकेटेडली इस पर प्रैक्टिस करते हो, सीखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो मैं वादा करता हूँ कि 2024 एंड होते होते आपने कुछ तो सीख लिया हो या कुछ तो कमा लिया हो। आप 2024 के दिसंबर तक या 2025 के जनवरी तक इतने बदल चुके होंगे कि आप इस वीडियो में आकर मुझे थैंक यू बोलो। यकीन नहीं हो रहा
करके देखो, सिर्फ दिन का 1 से 2 घंटा बस इंस्टाग्राम छोड़ो और अपने ऊपर काम करना शुरू करो। वेल, इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा और मोटिवेशनल नहीं इन्फॉर्मेटिव लगी तो शेयर करो, और मिलते हैं अगले एपिसोड।